हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मुझे प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। ता सहित मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठारू फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर आलोचना कर सारी। फाइव सिक्स सेमिस्टर मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलीस्ट जाकि देखिपारे और सेपरेट सेपरेट भाग कर तीनो पेपर अच्छे एट नाइन टेन। मुझे एट नाइन पेपर आलोचना कर सारी, मुझे टेन पेपर आलोचना कर चलत आलोचना कर विषय वस्तु। टेन पेपर यूनिट टू जगतीकरण दृष्टिकोण सर्ट क्वेश्चन मुझे आलोचना कर सारी। मुझे लंग क्वेश्चन आलोचना कर क्वेश्चन नंबर टू पर्यंत मुझे आलोचना कर क्वेश्चन नंबर थ्री विश्व बैंक रो गठन लक्ष्य और कार्य उल्लेख कर। विश्व युद्ध रे भाग नहीं राष्ट्र जथा जर्मन फ्रांस इंग्लैंड आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो जाइथिला। एही युद्ध रे प्रभावित राष्ट्र गुड़िकर अर्थव्यवस्था को सुधारिबा पाई उद्यमर फलस्वरूप से ही देश मानकर पुनर्निर्माण एवं विकास पाई एक आंतर्जातिक ब्यांक रो स्थापन करा जाय थिला। एहा विश्व ब्यांक नामरे परिचित। जदियो विकासशील देश गुड़िक आर्थिक एवं वैषयिक सहायता पाई मिलित जातिसंघर एवं सहयोगी संस्था रूपे 1944 मसीह विश्व ब्यांक प्रतिष्ठा होइथिला, किंतु वास्तवरे एहा 1946 मसीह कार्यकारी आरंभ करिथिला। विश्व बैंक एवं आंतर्जातिक मुद्रा पांठि परस्पर परिपूरक संस्था अटंती। साधारणतः यदि कौनसी राष्ट्र विश्व आंतर्जातिक मुद्रा पांठिर सदस्यता ग्रहण करिथाए तेबे से स्वतः विश्व बैंक रो सदस्य होइथाए। सेहिपरि यदि कौनसी राष्ट्र आंतर्जातिक मुद्रा पांठिर सदस्यता परित्याग करे तेबे से आपे आपे विश्व बैंक रो सभ्य हो जाए। आंतर्जातिक मुद्रा पांठि भली एहार दुई प्रकार सदस्य अछंती, जथा मौलिक सदस्य एवं साधारण सदस्य। 2017 सुधा यह 198 देश विश्व बैंक रो सदस्य अछंती। सदस्य राष्ट्र रो पूंजी रो अंशधनर कोटा अनुसार विश्व बैंक रो मताधिकार बंटन करा जाय थाए। पूंजीर प्रत्येक अंश पाई अतिरिक्त मताधिकार प्रदान करा जाय थाए। जे कौनसी सदस्य राष्ट्र पूर्व सूचना प्रदान करी सदस्यता परित्याग करी पारिबो। सदस्यता पद त्याग कले मध्ये से तार ऋण परिशोध करिबा पाई दायी करी पारिबो। तापरे कौनसी सदस्य राष्ट्र जदि विश्व बैंक रो नियम ओ दायित्व रो प्रतिकूल कार्य करे तेबे गवर्नर मंडली रो प्रस्ताव द्वारा ताकु बहिष्कार करा जाय पारे। विश्व बैंक रो परिचालना पाई निम्नोक्त अधिकारी माने रहितांति। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पाखरे विश्व बैंक रो समस्त क्षमता थाए। एही बोर्ड रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्रर जोने प्रतिनिधि थांती। एहार बैठक वर्षक थरे बसी थाए, जेउठारे आंतर्जातिक मुद्रा संपर्क रे आलोचना करा जाए। प्रत्येक राष्ट्रर सदस्यक कार्य 5 वर्ष। प्रत्येक सदस्य देशक 250 मत अतिरिक्त $100,000 पूंजी अंश उपरे एक अतिरिक्त मत प्रदान करा जाय थाए। सदस्य राष्ट्रर निजुक्त गवर्नर अनुपस्थित रे आहार प्रतिनिधि मानंको मतदान रो सुजोग दिया जाय थाए। दुई कार्यकारिणी कमिटी। विश्व बैंक रो दैनिक कार्य परिचालना निमन्ते कार्यकारिणी कमिटी गठित होई थाए। एही कमिटी रे अधिक पूंजी निवेश करुथिबा 5 जण स्थायी सदस्य अछंती। बलका सदस्य निर्वाचित होई थांती। नेक्स्ट अध्यक्ष।
कार्यकारिणी कमिटर अध्यक्ष विश्व बैंक मुख्य अटंती अध्यक्ष अन्य कर्मचारी मानंको नियुक्त दियंती। नेक्स्ट परामर्शदाता परिषद विश्व बैंक परामर्शदाता परिषद सात जन को नहीं गठित होता है। साधारणतः कृषि बैंक वाणिज्य व्यवसाय शिल्प श्रम इत्यादि क्षेत्र में ज्ञान थिबा व्यक्ति मानंको परामर्शदाता कमिटी नियुक्ति करिथे। नेक्स्ट ऋण कमिटी विश्व बैंक रे एक ऋण कमिटी रो व्यवस्था रहिछि। एही कमिटी सदस्य राष्ट्र द्वारा मक्का जाइथिबा ऋण उपयुक्त जांच करिथाए। आवेदन करिथिबा राष्ट्रर जणे सदस्य एही कमिटी रे थांथि। विश्व बैंक रो प्रारंभिक पूंजी 10,000 मिलियन डॉलर थिला। वर्तमान यहार पूंजी 25,208 अमेरिका डॉलर रे पहुंची। साधारणतः यही पूंजी सदस्य राष्ट्र माने भरणा करी थांती। अंशदान 2% अर्थ स्वर्ण किंबा अमेरिका डॉलर रो आकार रे दिया जाए। विश्व बैंक रो कार्य और लक्ष्य सदस्य राष्ट्र विशेष करि विकासशील राष्ट्र को ऋण सहायता करिबा हेउची विश्व बैंक रो प्रधान कार्य। साधारणतः दीर्घकालीन योजना गुड़ी को पूर्ण करिबा पई एगुड़ी को दिया जाय थाए। यहार समय 5 वर्ष रु 20 वर्ष होई थाए। ऋण रो मात्रा एवं सुध इत्यादि विश्व बैंक धार्य करी थाए। नेक्स्ट विश्व बैंक रो लक्ष्य विश्व बैंक रो स्थापना समय रे यहार प्रथम धारणा रे बैंक रो उद्देश्य निर्धारित करा जाय छी जहाँकि निम्न मते वर्णना करागला। एक सदस्य राष्ट्रर आर्थिक पुनर्गठन एवं विकास पई सेमानंकु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा जाय छी। विश्व बैंक द्वारा एही धनराशि निम्नोक्त उद्देश्य रे प्रदान करा जाय थाए। एक युद्ध द्वारा क्षतिग्रस्त देश मानंको पुनर्निर्माण पई सहायता। नेक्स्ट शांतिकालीन आवश्यकता अनुरूप उत्पादन राष्ट्र मानंको पुनः आर्थिक सहायता करिबा। स्वल्प विकसित एवं अविकसित राष्ट्र मानंकर संबल एवं उत्पादन रो सुविधा विकास करिबा। नेक्स्ट विश्व बैंक ऋण प्रदान ओ परिषदर समानता करिबा सहित आंतर्जातिक व्यापार रो संतुलित विकास पई दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करिथाए। नेक्स्ट सदस्य राष्ट्रर पूंजी निवेश को निम्नलिखित भावरे उत्साहित करिथाए। निजर ऋण एवं पूंजी निवेश पई ग्यारंटी प्रदान करिथाए। निज पूंजी उपलब्ध नथिले तेबे संबलर उपयुक्त शर्त उपरे किंबा निजर उत्पादन उपरे ऋण प्रदान करा जाय थाए। लघु एवं बृहत शिल्पर तथा आवश्यक योजना गुड़ी को कार्यकारी करिबा पई विश्व बैंक रो ऋण प्रदान विश्व बैंक सहायता प्रदान करी थाए। विश्व बैंक रो समालोचना विश्व बैंक रो सफलता सत्ते एहा को विभिन्न कारण रो समालोचना करी जाय थाए करा जाय छी जहाँ कि निम्नोक्त मते प्रदान करागला। एक केतेक समालोचक मत व्यक्त करती जे विश्व बैंक रे गणतंत्र नाही जेउ देशर अंशधन अधिक और जेउ देश माने एठारे अधिक पूंजी निवेश करती सेही देश मानंकर प्रभाव सर्वाधिक अनुभूत होइथाय। नेक्स्ट विश्व बैंक धनी राष्ट्र मानंकर एजेंट बोली समालोचित होइथाय। एठारे धनी राष्ट्र मानंकर आधिपत्य परिलक्षित होइथाय। साधारण बैंक थारु विश्व बैंक रो सुध अधिक बोली एहा समालोचित होइथाय। तापरे विश्व बैंक रो ऋण संबंधी आईन कानून रो ऋण नहीं थी देश मानंकु असुविधा रे
पकाई थाए। ऋण प्रदान करिबा क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रर ऋण परिषद क्षमता उपरे अधिक गुरुत्व देइथाए। गरीब राष्ट्र माने जेऊ ऋण पाइथांती ताहा सेमानंकर योजना कार्यकारी करिबा दिगरे यथेष्ट नुहे बोली अनेक समालोचक मत पोषण करंती। अनेक समय रे विश्व बैंक ऋण प्रदान करी विकासशील देश मानंकर आभ्यंतरणीय व्यापार रे हस्तक्षेप करिथाए। तथापि विश्व बैंक आर्थिक सहायतार संतुलन रक्षा करिबा दिगरे आंतर्जातिक स्तर रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। विश्व बैंक रो कृषि क्षेत्र रे दिया जाइतिबा ऋण सर्वाधिक अटे। एहा व्यतीत ग्राम्य विकास शक्ति और परिवहन क्षेत्र रे ऋण प्रदान करिथाए, किंतु कृषि क्षेत्र रे विश्व बैंक तरफ रु एक पर्यंत सर्वाधिक ऋण प्रदान करा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 4, आंतर्जातिक राजनीति उपरे प्रयुक्ति विद्यार प्रभाव वर्णना कर। विंश शताब्दी रे जगतीकरण जोगु सूचना और प्रयुक्ति विद्या तथ्य और ज्ञानकौशल व्यापक प्रसार घटी सूचना और प्रयुक्ति विद्या जगतीकरण को सफल करी। आधुनिक राष्ट्र गठन रे राष्ट्र मानक संपर्क रे क्षेत्र रे परिवहन और जोगाजोग रे भूमिका अतुलनीय। परमाणु शस्त्र निर्माण तथा सामरिक ऋण नीति पाई प्रयुक्ति विद्या एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी। प्रयुक्ति विद्यार प्रसार जोगु भौगोलिक सीमार महत्व कमिबा सहित विश्व एक विश्व ग्रामरे परिणत होई। आंतर्जातिक राजनीति रे पंचदश शताब्दी तारु आधुनिक जुगर आरंभ हेला। तीनोटी मुख्य घटनारु केन्द्र करी आधुनिक जुगर सूत्रपात हेला। सही घटना गुड़िक हेला नवजागरण, भौगोलिक आविष्कार एवं धर्म संस्कार पाई आंदोलन। नवजागरण फलरे विज्ञान शिक्षा प्रति लोकमानंकर आग्रह बढ़िला। मुद्रण यंत्र, दूरबीक्षण यंत्र, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दिग निर्णय यंत्र आविष्कार हेला। मुद्रण यंत्र उद्भावन फलरे ज्ञानर दिग्वलय पुस्तक पालन द्वारा अभिवृद्धि होइथिला। आइजाक न्यूटन माध्याकर्षण शक्ति सम्बन्धरे ज्ञान प्रदान करिथिले। दिग निर्णय यंत्र उद्भावन फलरे नाविक मानंकु दुस्साहसिक जलयात्रा करिबा पई प्रेरणा देला। एहा फलरे नूतन महादेश द्वीप सागर और महासागर मान विश्व मानचित्र स्थापन पाइथिला। यूरोपीय माने कालक्रमे एशिया, आफ्रिका और अमेरिका रे एकचटिया वाणिज्य चलाइबा पई सक्षम हेला। वाणिज्य क्षेत्र रे स्पेन, स्पान, फ्रांस और इंग्लैंड रो प्रभाव वृद्धि पाइबा स्थल रे इटाली रो प्रभाव ह्रास पाइला। अन्य पक्ष रे एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेश स्थापन हेला। उपनिवेश स्थापन और वाणिज्य अभिवृद्धि सांग को पूंजीवाद को प्रोत्साहित कला। उपनिवेश स्थापन और वाणिज्यिक अभिवृद्धि सांग को पूंजीवाद को प्रोत्साहित कला एवं एहा यूरोपीय देश मानंकरे शिल्प और वाणिज्य रे वृद्धि आणिला। तत्सहित एशिया, आफ्रिका और दक्षिण अमेरिका रे अधिवासी माने शोषण रो शिकार हेले। एशिया और आफ्रिका महादेश रो दुर्बल राजनैतिक अवस्था रो सुजोग नेई यूरोपीय माने एही महादेश रे सेमानंकर वाणिज्य बस्तार कले। विज्ञान और प्रयुक्ति विद्यार अग्रगति शिल्प विप्लव मध्य आनिथिला। यूरोपीय माने एशिया, आफ्रिका और अमेरिका रे उपनिवेश स्थापन करी बहु बजार सृष्टि कले। एहा सहित शिल्प विप्लव जोगु बड़ बड़ जनबहुल सहर जन्म नेला।
आंतर्जातिक स्तर रे पूंजीवाद और समाजवाद रो भली आदर्श सृष्टि होइथिला। प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव जोगु नूतन वैज्ञानिक आविष्कार फल समग्र विश्ववासी सहजरे उपलब्ध होइछि। आंतर्जातिक राजनैतिक प्रक्रिया सहित विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या परस्पर जड़ित। प्रजुक्ति विद्या निम्नोक्त प्रकार रे आंतर्जातिक राष्ट्रनीति को प्रभावित करिछि। एक, भौगोलिक राष्ट्र एवं आंतर्जातिक व्यवस्थार उदय। यूरोप रे भूखंडीय राष्ट्र एवं धीरे धीरे आंतर्जातिक व्यवस्थार विकास रे प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिले। पंचदश शताब्दी रे बारूद को यूरोपीय बासी सामरिक बाहिनी पाई व्यवहार कले। पूर्वर व्यवहृत घोड़ा सवारी सैन्य बदल रे सेमाने बंदूक धरी स्थल सेना प्रस्तुत कले। यहा द्वारा पड़ोसी राज्य माने मध्य स्थल सेना प्रस्तुत पाई बाध्य हेले। यहा द्वारा निज सैन्य बाहिनी मानंकु सुसज्जित करिबा पाई परस्पर मध्य रे प्रतियोगिता आरंभ हेला। यहा द्वारा देशर सामरिक खर्च वृद्धि हेला। तेणु निजर सामरिक खर्च को भरण करिबा पाई सम्राट माने निजर राजस्व खर्च को भरण करिबा पाई सम्राट माने निजर राजस्व बढ़ाइबा पाई भिन्न भिन्न कौशल अवलंबन कले। यहा द्वारा आधुनिक राष्ट्र व्यवस्थार सृष्टि हेला। नेक्स्ट, राजस्व बढ़ाइबार मुख्य दिग होउछि कर आदाय। यहार अन्य एक पंथा हेउछि दूर दूरातर स्थान रे व्यापार और वाणिज्य करिबा। नूतन ज्ञानकौशल और प्रजुक्ति विद्या द्वारा नुआ पथ निर्माण हेला और नौ वाणिज्य अभियान द्वारा समग्र विश्व को यूरोप सह संजोग करा गला। वाणिज्य व्यवसाय द्वारा यूरोपीय राष्ट्र मानंकर राजस्व बढ़िला और सेमाने निज निजर सामरिक शक्ति को मध्य वृद्धि करिबारे लागिले। सुरक्षित बजार अनुसंधानर परिमाण स्वरूप विश्वर विभिन्न देशरे निजर उपनिवेश स्थापन कले। ऊनविंश शताब्दी बेलकु एशिया आफ्रिकार अनेक देश प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे यूरोपीय राष्ट्र गुड़िकर अधीन होइसारिथिला। समग्र विश्व उपरे यूरोपीय आधिपत्यर स्थापना प्रजुक्ति विद्या ओ आधुनिक ज्ञानकौशल द्वारा संभव होइथिला। यूरोपीय देश मानंकर प्रजुक्ति शक्ति सामरिक शक्ति रे परिणत होइथिला। आधुनिक ज्ञानकौशल एवं प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग रे राष्ट्र उत्तम नागरिक सेवा स्वास्थ्य सेवा शिक्षार प्रसार जोगाजोग और परिवहन रे प्रसारण कारण रे निजकु अधिक सभ्य राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा करि पारिथिला। नेक्स्ट, आंतर्जातिक निर्भरशीलता वृद्धि। विश्व राजनीतिर प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग जोगु देश देश मध्यरे आंतर्जातिक निर्भरशीलता वृद्धि पाइछि। परिवहन जोगाजोग और गमनागमन क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन आसिथिबारु जगतीकरण प्रक्रिया सरल हेला एवं समग्र पृथ्वी एक विश्व ग्रामरे परिणत हेला। सुपरसोनिक विमान क्रायोजेनिक जेट सैटेलाइट जोगाजोग व्यवस्था इंटरनेट ईमेल सूचना और प्रजुक्ति विद्या विश्वर दूरता को कमाई देछि। सस्ता प्रजुक्ति विद्या विश्व को संकुचित करने प्रक्रिया को द्रुतगामी कराई। प्रजुक्ति विद्यार विकास शिल्पजात द्रव्यर मूल्य को कमाई देछि। उत्पादनकारी और खाउटी परस्पर निकटतर होइछन्ति। जगतीकरण राष्ट्र मानंकर कृत्रिम सीमारेखा अतिक्रम करी वैषयिक और प्रजुक्ति विद्या नूतन ज्ञानकौशल अबाध प्रचलन को सहज करिछन्ति।
नेक्स्ट सामरिक कार्यकलाप उपर प्रभाव आणविक अस्त्रर वृद्धि हेले आंतर्जातिक दृश्यपटरे राष्ट्रर सम्मान वृद्धि हुए बोले धारणा रही सेतिपाई नूतन अस्त्रशस्त्र क्षेपणास्त्र युद्ध जहाज युद्धपथ गण विध्वंसी तप भूपृष्ठर आकाश मार्ग को क्षेपणास्त्र आदि निर्माण पाई राष्ट्र माने विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार सहायता ने राष्ट्रर निरापत्ता नाम एभली अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता बढ़ी चली अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता विश्व को एक भयर वातावरण मध्य को ठेली देछि नूतन ज्ञानकौशल निर्मित अस्त्रशस्त्र गुड़िकर उभय नकारात्मक और सकारात्मक दिग रही एगुड़िक आम भल कम न लग मंद कम लगाऊ नेक्स्ट सार्वभौमत्व उपर प्रभाव जातीय आंतर्जातीय कार्यकलापर एमिति अनेक क्षेत्र अच्छी जहाँ राष्ट्र प्रत्यक्ष नियंत्रण रे नाही किंबा एही कार्यकलाप पाई राष्ट्र उत्तरदायी नुहे एहा राष्ट्रर सार्वभौमत्व को सीमित करिथाय आभ्यंतरणीय शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा करिबा एवं बाह्य शत्रु आक्रमण रु देशवासी को रक्षा करिबा राष्ट्रर मुख्य कार्य किंतु आधुनिक युद्धर भयावहता कारण राष्ट्र तार सीमा मध्यरे थिबा जनसाधारण को सुरक्षा देबा संभव नुहे राष्ट्रर पारंपरिक सार्वभौम क्षमता प्रभावित होई आणविक अस्त्र निरोध चुक्ति गुड़िक राष्ट्रर सार्वभौम क्षमता को संकुचित करिछि। क्वेश्चन नंबर 5 विश्वरे संगठित होइथिबा विभिन्न सामाजिक आंदोलन गुड़िक वर्णना कर सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक कार्य अटे जहाँकि सामाजिक प्रसंग उपरे केंद्रित होइथाय सामाजिक परिवर्तन सपक्षरे सामाजिक आंदोलन होइथिबा बेले समय समय रे एहा सामाजिक परिवर्तन को विरोध करी संगठित होइथाय सामाजिक आंदोलन एक निर्दिष्ट सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रसंग उपरे आधारित होइथाय सामाजिक आंदोलन रे एक निर्दिष्ट लक्ष्य थाए एवं एही लक्ष्य निमन्ते विभिन्न कौशल अवलंबन करा जाए सामाजिक आंदोलन जणे व्यक्ति किंबा नेता द्वारा आरंभ करा जाए थिले मध्य जनसाधारण को बिना सहयोग और सहायता रे सफल होइ न थाए सामाजिक आंदोलन रे नेता एहार लक्ष्य और आदर्श को जनसाधारण को आगरे उपस्थापन करंती एहा फळरे से जनसाधारण को समर्थन पाइथांती अनेक समय रे सामाजिक आंदोलन समाज रे पुरातन व्यवस्था को परिवर्तन पाई होई थाए एही आंदोलन संगठित किंबा असंगठित शांतिपूर्ण ओ हिंसात्मक मध्य होई पारे सामाजिक आंदोलन समाज राष्ट्र जनकल्याण संपर्कित सार्वजनीन नीति को प्रभावित करिथाए। नेक्स्ट धार्मिक प्रतिबंधक यूरोपरे पोप एवं धर्म जाजक माने निज कर्तव्य रे अवहेला करी राष्ट्रर राजनैतिक व्यापार रे हस्तक्षेप करिथिबारु एहार प्रतिवाद स्वरूप धर्म संस्कार आंदोलन आरंभ होइथिला शासन क्षेत्र रे पोप एवं धर्म जाजकंक अयथा हस्तक्षेप विरोध रे जनसाधारण स्वर उत्तोलन करिथिले तापरे गिर्जा और धर्मानुष्ठानर कलुषित वातावरण विरोध रे स्वर उत्तोलन करिथिले मध्ययुगरे धर्म जाजक और पुरोहित गोष्ठी सरल जीवन जापन करिबा परिवर्ते विलासपूर्ण जीवन जापन करिथिले धर्म नामरे लोकमानंक ठारु प्रचुर अर्थ आदाय करुथिले। नेक्स्ट गोलाप विप्लव 2003 मसीहा नवेम्बर मास पूर्व यूरोपर जॉर्जिया रे गोलाप विप्लव आरंभ होइथिला
एक विवादीय संसदीय निर्वाचन रे जॉर्जिया रो राष्ट्रपति एडवर्ड सेभाट नादजेंको क्षमता रो हटाइबा निमन्ते एही आंदोलन होइथिला। 1985 रो 1991 मसिया पर्यंत एडवर्ड सेभाट नादजे सोवियत रूस रो प्रधानमंत्री थिले। गर्भाशव को शासन काल रे से तांकर मुख्य परामर्शदाता थिले। सोवियत रूस विभाजन परे जॉर्जिया एक स्वाधीन राष्ट्र घोषित हेला। एडवर्ड सोभाट नादजे 1992 मसीहारु 2003 पर्यंत जॉर्जिया रो राष्ट्रपति थिले। 2003 मसीहा नवंबर मास 22 तारीख दिन राष्ट्रपति सोभाट नादजे संसदर अधिवेशन डाकी भाषण देवा समय रे विरोधी दल नेता साका सोभिली हातरे गोलाप फूल धरी राष्ट्रपति को संसद त्याग करबा को बाध्य करितिले। नेक्स्ट कमला आंदोलन 2004 नवंबर मास रो 2005 जनवरी मास पर्यंत युक्रेन रे होइतिबा प्रतिवाद आंदोलन को कमला आंदोलन कहा जाए। 2004 मसीह रे युक्रेन रे अनुष्ठित राष्ट्रपति निर्वाचन रे दुर्नीति और भ्रष्टाचार विरोध रे राजधानी किफोरे हजार हजार लोक एकत्रित होई नागरिक प्रतिवाद करिथिले। स्वच्छ गणतंत्र पाई समग्र देश रे एही प्रतिवादर आंदोलन 3 मास पाई चालिथिला। प्रतिवादर परिमाण स्वरूप 2004 डिसेंबर 26 तारीख दिन सुप्रीम कोर्ट अनुष्ठित निर्वाचन को असिद्ध घोषणा करागला। एही आंदोलनर सूत्रधार विक्टर यानुकोविच एवं तांकर अनुगामी माने कमला रंगर पोशाक चिह्न आदि व्यवहार करिथिबारु एहाकु कमला आंदोलन कुआ जाए। नेक्स्ट अन्ना हजारे दुर्नीति विरोध रे आलोचना करू। अन्ना हजारे दुर्नीति विरोध आंदोलन दुर्नीति रे लिप्त थिबा उच्च सरकारी पदाधिकारी मानंको दंड देवा निमन्ते जनलोकपालर प्रतिष्ठा एवं देशरु कोला धनर विलोप पाई एही आंदोलनर लक्ष्य थिला। सरकारी अधिकारी एवं नागरिक समाज को नेई एक मिलित कमिटी गठन करी जनलोकपाल आईन प्रणयन पाई हजारे 2011 मसीहा एप्रिल 5 तारीख रे दिल्ली रो जंतर मंतर ठारे आमरण अनशन करिथिले। एही प्रतिवाद सभारे लक्षाधिक लोक जोग देइथिले। नेक्स्ट जगतीकरण विरोधी आंदोलन 1991 मसीहा शीतल विश्व युद्धर अवसान पर जगतीकरण प्रक्रिया आरंभ होइथिला। जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा गरीब देश मानंकर अल्प दाम रे कंचामाल नै धनी देश माने सेही कंचामाल माध्यम रे उत्पादित द्रव्य को बहुदेशीय कंपनी द्वारा बिक्री कराई लाभ उठाती। यह द्वारा धनी और गरीब देश मानंकर मध्यरे व्यवधान सृष्टि होई। शिक्षा और स्वास्थ्य रो घरोईकरण जोगु गरीब माने उन्नत मानर सेवा पाई पारु नाहंती। बहुराष्ट्रीय कंपनी मानंकर आगरे क्षुद्र और कुटीर शिल्प बंद हेबाकु बसिलानी। प्रजुक्ति विद्यार प्रचलन हेतु यंत्र साहाज्यरे काम हेउथिबारु श्रमिक माने बेकारी हेलेनि। जगतीकरणर कुप्रभाव विरोधरे प्रतिवाद सभा विक्षोभ प्रदर्शन आदि आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित होउछि। 1988 मसीहारे जर्मन रे बर्लिन सहरर अनुष्ठित होइथिबा आंतर्जातिक मुद्रा पांठि विश्व ब्यांकर अधिवेशन विरोधरे एक दृढ़ प्रतिवाद आंदोलन होइथिला। नेक्स्ट जस्मिन विप्लव ट्यूनिशिया रे 26 वर्षीय
ମହମ୍ମଦ ବୌଜି ଆଠ ଜଣିଆ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ସିଦ୍ଧି ବୌଜିତ୍ ସହରରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ନାସପାତି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି 10 ଦିନ ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନଗରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ସହରୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଲହରୀ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଙ୍ଗା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଆଫ୍ରିକା ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରୁ ବ୍ୟାପିଲା। ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ସିରିଆରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଇରାକରେ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ମିସରରେ ହସନି ମୁବାରକ ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆରବ ଦୁନିଆରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନରେ ବିଲୋପ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆରବ ଦୁନିଆରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟିଯିବ। ଏହି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ହଟିଯିବ ସରକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ିଯିବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ହଟିଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ଚୀନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1899 ମସିହାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ 2011 ମସିହାରେ ଏହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଏହାକୁ ଚୀନ ଜସ୍ମିନ୍ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନତା ଏହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚୀନର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନେତା ୟୁ ଫେଙ୍ଗ ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଚୀନର ଡିଙ୍ଗୋ ମାଓ ଏକାଡେମୀରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଚୀନରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ୟୁ ଫେଙ୍ଗ ଝାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନର ବେଜିଂ ଚାଙ୍ଗଚୁନ୍ ସାଙ୍ଗସା ଚେଙ୍ଗୁ ସଂଘାଇ ଏବଂ ସ୍କିନିଆ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚୀନ ଶାସନାଧୀନ ହଙ୍କ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଚୀନ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଶହ ଶହ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।